तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी जिनका नाम है स्टेफनी ट्रंप। तो आज की वीडियो में स्टेफनी ट्रंप के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे, बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएंगी। तो टाइम ना वेस्ट किए करते हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को। मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगेश मदने। मैं नया क्रिएटर हूँ, नया यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ मेरी गलतियों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखना। तो फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टेफनी ट्रम्प, हाल ही में उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है इनके साथ, इनका नाम है माइकल बोलस। तो इनकी दोनों की अभी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो स्टेफनी और माइकल दोनों शादी करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो डोनाल्ड ट्रंप को इनसे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब एंगेजमेंट होती है तो एक दूसरे को लड़की लड़का एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वीडियो में ये उस रिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको जो स्टेफनी को रिंग पहनाई है माइकल ने, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो रिंग पहनाई है स्टेफनी को, वो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है और इतनी प्रीमियम रिंग है, ये इतनी प्रीमियम है कि आपको क्या बताऊँ इसकी प्राइस मार्केट में क्या है। तो इससे ज़्यादा प्रीमियम अभी तक ना कोई अंगूठी ना देखी है, ना आपने कभी सुनी है, ना कभी आप देखोगे, ये इतनी प्रीमियम है। तो ये रिंग जो है इसकी प्राइस क्या है आप लोगों को पता है? इस प्राइस के बारे में ही मैं इस वीडियो को बनाने वाला था। तो इसकी प्राइस है 1.2 बिलियन डॉलर। तो इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस है, और इसकी प्राइस इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो ये होती है 8,74,08,020 रुपीज़। तो इतनी ज़्यादा प्राइस की ये अंगूठी जो पहनाई है माइकल ने, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्रीमियम भी कोई अंगूठी किसी को पहना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अंगूठी इतनी प्रीमियम है कि इसमें सारे के सारे डायमंड से बनाई गई है, और इसे जो मेड किया है वो उसे किया है न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क सिटी में इसे बनाया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। खुशहाल रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।